एवरीवन, मैं अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 सितंबर और आज मेरी डॉटर का बर्थडे है। तो हमने पूरे दिन क्या क्या किया वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि DIY डेकोरेशन आइडियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्थडेज आर सो स्पेशल फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर किड्स। But this time due to corona we couldn't go out and celebrate and couldn't call everyone, but we can celebrate at home and you might take some ideas if your birthday is coming। तो मैं सुबह 7 बजे के अराउंड उठी और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसीलिए जल्दी उठना पड़ा, बट वो आफ्टरनून में वापस आ जाएंगे। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है चपाती और आलू शिमला मिर्च की सब्जी, सिंपल ही रखा बिकॉज बहुत सारा काम है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आई स्टार्टेड पैकिंग रिटर्न गिफ्ट्स। तो उसके लिए मैंने कुछ पेपर बैग्स लिए हैं फ्रॉम मिस्टर DIY। ये इंडिया में मुंबई में है शायद एज़ पर माई नॉलेज, और कहीं भी नहीं है। ऐसे मैंने 6 बैग्स लिए हैं और गिफ्ट्स के लिए मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स लिए हैं और एक स्लाइम और चॉकलेट्स है। तो अब मैं इन सबको इस बैग्स में डाल दूंगी और पैक कर दूंगी। एंड सी जस्ट वोक अप एंड फिनिश्ड हर ऑल द वर्क एंड सी विल हैव हर ब्रेकफास्ट नाउ। व्हाट आर यू डूइंग? ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो डेकोरेशन के लिए मैंने लिया है ये बैनर, फैन व्हील्स, मेटेलिक बलून्स एंड रेन कर्टेंस। और ये सारी चीज़ें मुझे मिस्टर DIY में ही मिल गई। आप लोगों के कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप जो भी आइटम यूज़ करती हैं प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारे आइटम्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई परचेज फ्रॉम द स्टोर, बट आई ट्राई टू फाइंड द सिमिलर आइटम ऑन Amazon एंड लिंक इट डाउन बिलो। तो इस बैनर को लगाने के लिए यू हैव टू इंसर्ट द रिबन इन टू द होल एंड बैनर विल बी रेडी। देन मैं ये रेन कर्टन्स को स्टिक कर दे रही हूँ। It is very easy to install. You just need to remove the sticker given behind it and place it on the wall. ये बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है. It's going to be there for many days. I wanted to take print out of Elsa, but the shop was closed, so I decided to make one for her. एंड इट्स हर फेवरेट कैरेक्टर, और आई थिंक आजकल सभी बच्चों के एल्सा ही फेवरेट हो गई है, खास करके लड़कियों की। तो मैं इसे बस सेलो टेप की हेल्प से प्लेस कर दे रही हूँ। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इसी तरह के और भी कार्टून कैरेक्टर्स बनाकर बर्थडे पे डेकोरेट कर सकते हो। और हमारी डेकोरेशन पूरी हो गई है, मैं और मेरे हस्बैंड वी बोथ डिड इट। आफ्टर दैट आई केम टू द किचन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग केक फॉर हर। केक हमने ऑर्डर भी किया है बट मुझे बनाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने बना लिया। तो इसमें मैंने डाला है 2 eggs, स्मॉल कप ऑफ ऑयल, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा मिल्क भी एंड मैदा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे मैं केक टिन में पोर कर रही हूँ, और इसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। ओवन है हमारे पास क्योंकि ये फुली फर्निश्ड हाउस है, बट वो अच्छी नहीं है केक बनाने के लिए। मैंने कई बार ट्राई किया है बट कभी भी अच्छी नहीं बनी, और कढ़ाई में भी ये बिल्कुल अच्छे तरह से बन जाता है, बिल्कुल फ्लॉपी जैसा कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है बट टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैं करूँगी इसे डेकोरेट। तो उसके लिए मेरे पास है व्हिप्ड क्रीम, और इसे बहुत ही इजीली हो गया। और मेरे पास डेकोरेट करने के लिए हैं कुछ केक डेकोर टूल्स और केक टॉपिंग्स आप कह सकते हो। इसे मैंने यहीं के शॉपिंग ऐप से ऑर्डर किया है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, डाल रही हूँ। साथ ही इसमें कुछ कैंडीज भी ऐड कर रही हूँ, और कोहू भी मेरे साथ में अपना ही केक डेकोरेट कर रही है एंड थोड़े से ब्लूबेरीज। तो सारी चीज़ें प्लेस करने के बाद केक तैयार है, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। व्हाट अबाउट यू? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट। नेक्स्ट मैं DIY करके 2-tier प्लेट स्टैंड बनाने वाली हूँ डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लासेस से।
I'm just gonna put some hot glue on the bottom of the glass and placing this big plate on it. And I'm repeating the same process to place the smaller one. This can be used as a salad, cake or cookies holder. और हमने कुछ न्यू प्लांट्स लाए हैं. कोइंसिडेंटली कू के हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ प्लांट्स आ ही जाते हैं, तो इनमें से ये मेरा फेवरेट है जीजी प्लांट और ये है एंथोरियम. और भी कुछ प्लांट्स हैं तो मैं आपको होम डेकोर वाले वीडियोस में दिखाऊंगी. तो काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ किचन में छोले बनाने. छोले पूड़ी रायता एंड गुलाब जामुन हमने घर पर ही बनाया है, बाकी दो चार आइटम्स हम बाहर से मंगवाएंगे. तो छोले बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल एंड सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और फिर प्याज डालकर इसे अच्छे से फ्राई करूंगी. और साथ ही मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच भी. उसके बाद मैं शाम में टीवी पे प्ले करने के लिए मैं एक छोटा सा कुहू का वीडियोस बना रही हूँ, पुराने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उससे. और जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो भी आ गया है और कुहू बहुत ही हैप्पी है इसे देखकर. कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है साइज़ में, मैंने तो 2 केजी ही ऑर्डर किया था. एनीवेज तो शाम हो गई है और कुहू बहुत एक्साइटेड है रेडी होने के लिए. तो फाइनली टाइम आ गया है रेडी होने का और आज मैं उसे कुछ डिफरेंट तरीके से तैयार करने वाली हूँ. प्रिंसेस सनाया इज रेडी. और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ. काफ़ी लंबा हो गया, होप आपको बोर ना किया हो. और ये हमने पॉपर लाया था केक कटिंग के टाइम यूज़ करने को, बट हम भूल गए और बाद में हमने यूज़ भी किया तो ये बाय मिस्टेक पहले ही ब्लास्ट कर गया. तो विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.